नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का टू वेरियंट, VXI प्लस वेरियंट है भाई ये। और ये वाला जो वेरिएंट यहाँ पे खड़ा है ये है पेट्रोल में, इसमें CNG का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। अभी लास्ट मंथ चल रहा है भाई 2022 का, तो मारुति अपनी गाड़ियों पे अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है। उसके ऊपर 35,000 का डिस्काउंट दे रही है वैगनआर के ऊपर, इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। CNG पे अलग है और पेट्रोल पे अलग है, वो मैं बताऊंगा वीडियो में, जुड़े रहना। इसके फीचर्स वगैरह सारा कुछ आपको बता देता हूँ, VXI में क्या कुछ मिलता है पेट्रोल वेरिएंट में। CNG का तो है नहीं भाई यहाँ पे, CNG का वैसे आपको बता दूंगा पावर वगैरह सारी चीज़ें, और डिस्काउंट भी बता दूंगा। यहाँ पे देखते हैं इसका फ्रंट। सबसे पहले जो ग्रिल दी गई है वो क्रोम के साथ मिलेगी, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। जो उसका लोअर पार्ट है बम्पर का वो पूरा मैट ब्लैक कलर में मिलेगा, कोई नीचे स्किट प्लेट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती। हेडलाइट की बात करूँ तो पूरा हैलोजन सेटअप मिलेगा, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है और ये सिंगल यहाँ पे बल्ब मिल जाएगा पार्किंग के लिए, नीचे छोटा सा बल्ब ये दिया गया है भाई। एस्प्रेसो में आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ ये हेडलैम्प ही मिलता है। नीचे डिज़ाइन मिलेगा ये फॉग लैंप टाइप से। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। इसके टायर प्रोफाइल की बात करो तो 165/17/14 का इसमें आपको टायर मिलेगा, स्टील रिम मिलेंगे ब्लैक कलर के, व्हील कैप मिल जाएगा साइड में, नीचे ये क्लैडिंग भी मिल जाएगी आपको पतली सी। कुछ इसमें एक्सेसरीज के पार्ट भी हैं, लिस्ट दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें मिल जाएगा। ये इसमें चीज़ें लगी हुई हैं एक्स्ट्रा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी जो गाड़ी स्टॉक है वो आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें इसमें मिलता है। फेंडर के ऊपर मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, जो ORVM है वो बॉडी कलर मिलेंगे, बॉडी कलर इसमें डोर हैंडल मिल जाएंगे, नीचे ये वाला पार्ट अलग से लगवाना पड़ेगा। ए पिलर मिलेगा बॉडी कलर, बी पिलर मिल जाएगा ये ब्लैक टेप के साथ, और भाई सी पिलर भी बॉडी कलर ही मिलेगा। ऊपर ये डोर वाइजर हैं ये अलग से लगवाने पड़ जाएंगे। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी रियर प्रोफाइल, ये देखो भाई टोलबॉय डिज़ाइन है इसका भी सेम वैसे ही जैसे वैगनर का है, ये लगा लो कि वैगनर की छोटी बहन है ये। स्पेस भी इसमें अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, अंदर बैठ के दिखाऊंगा कितना इसमें स्पेस मिलता है। यहाँ सुजुकी का लोगो मिलेगा, ये क्रोम की पट्टी नहीं मिलती भाई, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये बूट ओपन करने के लिए की होल मिल जाएगा, एस्प्रेसो के नीचे बैजिंग है, और जो उसका बम्पर है वो भाई मैट ब्लैक कलर में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको दो इसमें पार्किंग सेंसर मिलेंगे, ये दिया गया है रिफ्लेक्टर। टेल लाइट का डिज़ाइन भी वैसा ही है जैसे आगे था, और हैलोजन सेटअप मिलेगा। ये बैक गियर के लिए टर्न इंडिकेटर और ये ब्रेक लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे वाइपर डिफोगर वॉशर नहीं मिलता, हाई स्टॉप लैंप यहाँ दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। हाँ, ये सिंपल वाला एंटीना मिलेगा भाई यहाँ पे, इसको पहले अनलॉक कर दूँ। हाँ, की दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इस टाइप की इसमें की मिलेगी, रिमोट की मिलती है एक ये सिंपल वाली, दो बटन मिलेंगे। VXI वेरिएंट में भाई सब में ऐसी ही मिलती है, मारुति की गाड़ियों में सेम वैसी की है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। और यहाँ अब इसके डोर की बात करूँ तो भाई ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे मैट ब्लैक कलर मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ये मिलेगा, डोर ओपनर है। यहाँ पे आपको कोई भी पावर विंडो वगैरह के कोई कंट्रोल नहीं मिलेंगे, ना ORVM के लिए कंट्रोल मिलेंगे, वो अंदर दिए गए हैं, वो दिखाता हूँ कहाँ पे दिए जाते हैं। पहले डोर की बात करूँ तो यहाँ पे बोतल होल्डर मिलेगा, फाइल होल्डर मिलेगा, स्पीकर दिया गया है, ट्विटर नहीं मिलता भाई इस वाले वेरिएंट में भी। सीट दिखाऊं आपको तो इसमें फैब्रिक सीट दी जाती है, और यहाँ पे ये हल्का सा ब्राउन कलर यूज़ किया गया है। फिक्स इसके आपको हेडरेस्ट मिलेंगे, फोर वे एडजस्टेबल इसमें सीटें दी जाती हैं, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी दोनों सीटें फोर वे एडजस्टेबल मिलती हैं। अब बात करता हूँ भाई इसके डैशबोर्ड की, ये देखो ये है भाई इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, ये टच इसका म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है भाई, थोड़ा सा लाइट की कमी है गाड़ी शोरूम के अंदर है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगी आपको। वैसे मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आपको क्लियर व्यू दूँ, हर एक चीज़ का आइडिया हो जाए ताकि कैसा कुछ इसका प्लास्टिक है और क्या क्या इसमें फीचर दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेक्सचर दिखा देता हूँ, ये इस टाइप का टेक्सचर मिलेगा डैशबोर्ड के ऊपर सेंटर वाले, ये एसी के वेंट हैं। ये वाला जो पार्ट है ये मैट सिल्वर कलर का दिया गया है, और यहाँ पे पूरा आपको मैट ब्लैक प्लास्टिक मिल जाएगा ये सेंटर में। यहाँ पे भी आपको ये सेम टेक्सचर मिल जाएगा जो डोर्स के ऊपर दिया गया था, और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। ये है पावर विंडो के लिए कंट्रोल, आगे वाले इसमें दोनों पावर विंडो मिल जाएंगे, और भाई पीछे वाले मैनुअल मिलते हैं। इसके म्यूजिक सिस्टम के बारे में बताऊं तो भाई इसमें आपको FM वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। USB और ऑक्सी कनेक्टिविटी भी मिलेगी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, और भाई इसमें मिरर लिंक फैसिलिटी भी मिलती है जिसके थ्रू अपने फ़ोन का जो भी आप डाटा है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, अपने वीडियोस या फिर जो भी सॉन्ग्स वगैरह आप सुनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये छोटे साइज़ का मिलेगा, और भाई ये कूल्ड नहीं मिलता, सिंपल वाला इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाएगा।
ये यहाँ पे मैंने बताई दिया। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा वो देखो इस टाइप का मिलेगा। यहाँ पे ऊपर ये डिजिटल स्पीड मिल जाएगी, नीचे छोटा सा MID दिया गया है। ये कुछ वार्निंग लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, कुछ यहाँ पे मिलेंगी। अब इसके MID की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे ओडोमीटर शो करेगा ये फ्यूल के लिए, यहाँ पे बार्स साइड में शो करेगा। अगर और कुछ आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पे ये नॉब दिया गया है, ये यहाँ पे ट्रिप ए शो करेगा, ये ट्रिप बी, और भाई ये कुछ आपको शो करेगा एवरेज, यहाँ पे रेंज और ये ओडोमीटर, ये इसमें चीज़ें शो करता है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, बेसिक इसमें आपको फंक्शन सारे मिल जाएंगे। हैजर्ड लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है, मैनुअल ये क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, और भाई यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए, कुछ भी चीज़ रख सकते हैं यहाँ पे, वॉलेट रख सकते हैं। दो कप होल्डर मिलेंगे छोटे छोटे। ये इसका भाई गियर नॉब, 5 स्पीड का इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, और जो गियर नॉब है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक का मिलेगा। सेंटर वाला पार्ट भी पूरा ब्लैक प्लास्टिक का ये मिल जाएगा। मैनुअल ये इसमें हैंड ब्रेक दिया गया है। नीचे थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। वैसे भाई यहाँ से सीट की साइड में जा सकता है, रखने के लिए नहीं है, वैसे स्पेस दिया गया है खाली यहाँ पे। अब क्या बचा, हाँ ऊपर यहाँ पे IRVM दिया गया है, माइक मिलेगा, कैबिन लाइट है येलो कलर की, ये इसके सनवाइजर मिलेंगे दोनों तरफ, और भाई यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। रबर रैप स्टेयरिंग मिलेगा राउंड शेप में, पूरा ब्लैक कलर का। यहाँ पे टेलीफोनिक बटन दिए गए हैं, म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे ये कंट्रोल भी मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है वाइपर के लिए नॉब, यहाँ पे दिया गया है हेडलैम्प के लिए। बाकी भाई की मैंने इसमें दिखाई दी, दो एयरबैग मिलते हैं इसमें, एक स्टेयरिंग के ऊपर मिलेगा और एक यहाँ साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे बात करूँ तो इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया गया है, आइडल इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता इसमें। इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। थोड़ा स्पेस ये मिलेगा, ये इसकी जो हेडलाइट है उसको एडजस्ट करने के लिए, जिसको हेडलाइट लेवलर बोलते हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कितना इसमें स्पेस मिलेगा और क्या क्या फीचर दिए जाते हैं। सीट मैंने बताई दी, 4-way एडजस्टेबल सीट इसमें मिलती हैं। ये देखो भाई पीछे वाला डोर, यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का मिलेगा ये प्लास्टिक पार्ट जो भी दिया गया इस पर डोर पैनल, और थोड़ा स्पेस ये मिलेगा। मैनुअल इसमें ये विंडोज़ दिए जाते हैं रियर वाले, डोर ओपनर नीचे, यहाँ स्पीकर वगैरह नहीं मिलता, दो स्पीकर का इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। और ये है भाई इसकी सीट, वही सेम फैब्रिक सीट मिलेगी, और भाई 3 सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी बेंच सीट दी जाती है, पीछे वाले जो हेडरेस्ट है वो भी फिक्स ही मिलेंगे, आगे वाले भी हेडरेस्ट इसमें फिक्स ही मिलते हैं। अंदर बैठ के और दिखाऊंगा आपको कितना इसमें स्पेस है। ये देखो भाई इसका स्पेस, यहाँ पे इतना मेरे को इसमें नी स्पेस मिल जाएगा, और सीट इसकी हाइटेड है, इसकी वजह से नीचे पूरे लंबे पैर करके हम बैठ सकते हैं। दो बंदे तो बिल्कुल कंफर्टेबली सीट के ऊपर बैठ जाएंगे। जो भाई छोटी गाड़ियों में होता है स्पेस, आपको वैसा इसमें स्पेस मिलेगा। फ़ायदा इस गाड़ी में ये है कि वैगनर की तरह इसमें आप थोड़ा हाइट पे बैठोगे, थोड़ा सा मतलब बैठने का पोस्चर आपका ऐसा आएगा जैसे SUV में बैठते हैं, उस टाइप का पोस्चर आएगा। जो छोटी गाड़ी होती हैं, नॉर्मल हैचबैक होती हैं, उनमें इस टाइप से नहीं बैठा जाता, उनमें थोड़ा ऐसे लंबे टांग करके बैठना पड़ता है, या फिर आप थोड़ा ऐसे ऊपर टांगे करके बैठोगे। इसमें वैसा नहीं है, बिल्कुल आप एक SUV स्टाइल में इसमें बैठोगे। फ्रंट सीट और जो रियर सीट है दोनों में बैठने का स्टाइल वही होगा। यहाँ पे ये छोटा सा आपको स्पेस मिलेगा, कप होल्डर बोल सकते हैं आप इसको। बाकी डोर मैंने बता ही दिया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल ये पीछे भी मिल जाएंगे। मेन भाई ये गाड़ी स्पेस के लिए है, माइलेज के लिए है, वो इसमें आपको मिल जाएंगी। और बाकी बूट और दिखा देता हूँ एक बार आपको इसका, कैसा इसमें बूट दिया गया है। बूट ओपन करने के लिए भाई इसमें आगे ही मिलेगा यहाँ पे, या फिर जो की है आप की के साथ इसका बूट ओपन कर सकते हैं। ये देखो भाई इसका बूट, 214 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे पार्सल ट्रे दी गई है, और भाई यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। नीचे देखते हैं स्पेयर व्हील का साइज क्या है इसका, 165/70R14 फुल साइज का इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलेगा। बाकी दो इसमें आप ट्रॉली बैग रख सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम साइज के दो बैग इसमें आ जाएंगे, इतना स्पेस दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, क्या कुछ उसमें मिलता है। इंजन तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 998 cc का 1 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। CNG और पेट्रोल दोनों का इसमें ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप। अगर किलोवाट में बताऊं तो 50 किलोवाट की पावर मिलेगी, अगर वैसे BHP में बताऊं तो 65 BHP की पावर मिलेगी, और 90 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। CNG में 43 किलोवाट की और 78 न्यूटन मीटर का
टॉर्क इसमें मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ मिलती है और भाई 27 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अगर भाई मैं इसकी एक शोरूम कीमत की बात करूँ तो वो है 5,48,000। 2022 का एंड चल रहा है तो इसलिए मारुति हर एक गाड़ी पे डिस्काउंट दे रही है, जैसे मैंने बता दिया। इस पे भी मिलता है 35,000 का, वीडियो स्टार्टिंग में बताया था, और इस गाड़ी के ऊपर भी आपको 30,000 का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जब आप शोरूम में आगे बात करोगे तो वो डिस्काउंट और भी बढ़ सकता है, 5,000, 10,000, 20,000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बात करते हैं शोरूम में आके, वो अलग है। बाकी 30,000 का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप किसी भी शोरूम में चले जाना। अगर आपको इस शोरूम पे बात करनी हो तो मैं नंबर वीडियो पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वैसे वीडियो में नीचे भी आपको नंबर मिल जाएंगे शोरूम के, उन पे आप बात करके अपने लिए एक अच्छी डील उठा सकते हैं, एस्प्रेसो के लिए भी और वैगनार के लिए भी। सीएनजी के बारे में बताऊं तो सीएनजी में इसमें आपको 50,000 का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई चाहे कि एस्प्रेसो सीएनजी में लेनी है तो उसमें आपको 50,000 डिस्काउंट मिलेगा, जो इसका एक शोरूम कीमत है उसके ऊपर। बाकी कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी कंपनी आपको दे सकती है फ्री में, वो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बात करते हो। ये हो गया एस्प्रेसो का VXI प्लस वेरिएंट, पेट्रोल में है ये, 1 लीटर का इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर, और बाकी फीचर्स वगैरह तो मैंने बता ही दिए, एक शोरूम कीमत भी बता दी, डिस्काउंट भी भाई बता दिया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।